नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड में 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दलों ने इस चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहारी नेता प्रचार के लिए मोर्चा संभालेंगे। झारखंड की चुनावी लड़ाई लड़ रहे तकरीबन हर राजनीतिक दल ने अपने बिहारी नेताओं पर भरोसा जताया है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी तो बिहार से ताल्लुक रखने वाले अपने 4 कद्दावर मंत्रियों को मैदान में उतारेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों के सहयोग के लिए बिहार से बड़े नेता जाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर, राज्यसभा नेता आरसीपी सिंह, सांसद ललन सिंह, उद्योग मंत्री श्याम रजक, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आदि का नाम शामिल है। राजद बिहार से 29 स्टार प्रचारक को भेजेगा। इसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, डॉक्टर मीसा भारती, रघुवंश प्रसाद सिंह, रामचंद्र पूर्वे, भोला यादव, एसएम कमर आलम, अब्दुल बारी सिद्दीकी आदि प्रमुख हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 4 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इनके 30 नवंबर के बाद से सक्रिय होने की संभावना है। इनमें से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अनिल शर्मा, निखिल कुमार और तारिक अनवर शामिल है। फिलहाल यहां के सभी कांग्रेसी नेता 30 नवंबर को दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर तैयारी में जुटे हैं। इसके बाद ही झारखंड चुनाव को लेकर कोई ठोस रणनीति बनेगी। स्टार प्रचारकों के अलावा कई एमएलए को भी प्रचार की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और झारखंड के विधानसभा चुनाव में बिहारी नेताओं का जलवा है। वे प्रचार करने जाएंगे अपनी अपनी पार्टियों के लिए, चाहे वो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हों, चाहे आरजेडी के वो तमाम स्टार प्रचारक हों, कद्दावर नेता हों, बीजेपी के मंत्री हों, कद्दावर नेता हों, आरजेडी के हों या तमाम राजनीतिक दलों के नेता हों, और बिहारी नेताओं पर भरोसा जताया गया है। बिहार के कई नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है पार्टियों ने और वे झारखंड में अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगेंगे। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।